एक भाई साहब हैं जिनका नाम है संजय बकूत्रा। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है तकनीकी वर्ल्ड। ये भाई साहब ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक। जब आप भी जानेंगे कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक किस पर दिया है तो आपको भी हंसी आएगा। एक्चुअल में मैं जब SEO के बारे में स्टडी कर रहा था तो उस समय हमें कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बताया गया था, और उस समय यूट्यूब का शॉर्ट वीडियो का अपडेट नहीं आया था यूट्यूब पर, मतलब शॉर्ट वीडियो पहले नहीं चलता था, तो हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि कॉपीराइट स्ट्राइक शॉर्ट वीडियो पर भी आते हैं। एक्चुअल में एक वीडियो डबल वीडियो डाले ही जा रहे हैं कहीं के और को उठाकर यूट्यूब पर, तो इस सिचुएशन में कॉपीराइट मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट वीडियो पर भी आ सकता है। संजय भाई, मैंने आपका भी चैनल देखा है, कम से कम एक साल से आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, राइट? आप भी न्यू यूट्यूबर हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखना है और हमें भी बहुत कुछ सीखना है। ये सही भी है कि आपका वीडियो था, आपने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है सही से टर्म की कॉपीराइट किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है? बिल्कुल नहीं पता है। या तो आप पहली बार किसी को कॉपीराइट दे रहे हैं, या इससे पहले आप कॉपीराइट के बारे में नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि कोई वीडियो अगर आपका कॉपी करता है तो बस कॉपीराइट दे दो। एक्चुअल में कॉपीराइट तब दिया जाता है जब आपका वीडियो कोई बार बार कॉपी कर रहा है, आप उसे वार्निंग दिए हैं, उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, तो आप स्ट्राइक दे सकते। लेकिन आपने क्या किया, वैसे वीडियो पर कॉपीराइट दिए हैं जिनमें ना आपका वॉइस है, ना आपका फेस है, ना ही खुद का बनाया हुआ म्यूजिक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियो कौन सा है। अब आप ही बताइए, इस वीडियो से क्या साबित होता है कि आपका है? पहले डाले हैं इसलिए आप नहीं, फिर भी मैंने गलती एक्सेप्ट की और ये गलती मैंने YouTube को बताई कि ये चीज़ हो गई, मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट वीडियो पर भी कॉपीराइट आता है। और उन्होंने कॉपीराइट स्कूल फिलअप करवाया, कुछ सवाल दिए मुझे और उनका जवाब देना था, उसके बाद ईमेल आईडी, यूट्यूब नेम और पिन कोड और पोस्टल कोड हमसे मांगा गया, और उसके बाद मेरे चैनल का डैमेज पूरी तरह से हट गया। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि 90 दिन के बाद ये स्ट्राइक भी हट जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके चैनल पर कोई डैमेज नहीं आया है। लेकिन ये चीज़ संजय भाई आपको समझ में नहीं आई। मैंने आपको ईमेल भेजा, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा, यहाँ तक कि फेसबुक पर भी मैसेज भेजा, फिर भी आपने कॉपीराइट स्ट्राइक वापस नहीं लिया। इसका मतलब क्या समझे? अगर चाहूँ तो मैं भी आपके कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ। अभी यूट्यूब से जाकर कहिए, वो तो बाद में पता चलेगा ना कि मैंने गलत चीज़ के लिए कॉपीराइट दिया है, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मेरे चैनल पर आज भी 20-30-40 व्यू आते हैं, और मैं नया भी चैनल बनाऊंगा तो इतना ही व्यू आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपका चैनल ग्रोथ चैनल है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने आपसे सॉरी बोला, रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी आपने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाया, ये तो गलत बात है ना, आपको इस बात को समझना चाहिए। एक बार मुझसे मैसेज कर या ईमेल कर बोले रहते ये चीज़ें नहीं करो भाई, मेरा वीडियो हटा दो, डिलीट कर दो, मैं कर दिया रहता, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मेरे चैनल का ही देखा जाए तो मेरा खुद का फेस वाला वीडियो 100 से ज़्यादा है। आपने झांट बराबर वीडियो के लिए मेरे पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, जो कि 48 सेकंड का एक क्लिप है, जिसमें ना आपका कोई वॉइस है, ना ही कोई आपका उसमें म्यूजिक है, ना ही आपका कोई फेस है, फिर भी आपने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। ठीक है, दे दिया, लेकिन जब मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो आपको वो हटा देना चाहिए था ना। एक यूट्यूब का कम्युनिटी यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर आगे बढ़े। मैंने इससे पहले भी एक यूट्यूबर का वीडियो कॉपी किया था, उन्होंने साफ बोला कि अगर मेरा वीडियो इतना पसंद आ गया तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो। मैंने उनका वीडियो लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, उसके अलावा मैंने उनका चैनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला, जिससे उनका और सब्सक्राइबर इंक्रीज हुआ। इसे कहते हैं आपस में कम्युनिटी। स्ट्राइक देकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, सिर्फ एक दूसरे ब्लेम डाल सकते हैं हम दोनों। ये बात आपको समझनी चाहिए यार, आप शादीशुदा इंसान हो फिर भी आप इतने समझदार नहीं हो, बस आपको पता है कि मेरा वीडियो कॉपी किया तो स्ट्राइक दे दो। यूट्यूब को भी ये बात समझ में आ गई कि इसमें ना कोई वॉइस है और ना ही फेस है, इसलिए इसका डैमेज हटा दिया जाए, लेकिन आपको अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल का कोई डैमेज हुआ नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अपना स्ट्राइक वापस ले लीजिए। मुझे एक मैसेज कर दिया रहता है कि मेरा वीडियो हटा दो, तो इतनी बड़ी वीडियो नहीं थी, नासा को कोई डाटा नहीं था जो मैंने यहाँ हटा था, उसे तुरंत डिलीट कर देता, क्योंकि YouTube ने भी मेरी गलती एक्सेप्ट कर ली और मेरे चैनल का डैमेज हटा दिया। YouTube को भी इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बात से कि मेरा एक शॉर्ट वीडियो इसने कॉपी कर लिया। ये सही चीज़ नहीं है संजय भाई, क्योंकि मैंने अपनी तो गलती मान ली ना और वीडियो भी बना दिया।